हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन काफी इम्पॉर्टेंट है और सिंपल बहुत है, बस ये कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है आप लोगों को या फिर किस काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बायोलॉजी पब्लिकेशन का सेल्फ असेसमेंट जो है ना, उसका क्वेश्चन है, हमारा 8th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आज हम सॉल्व करके आपको बताएंगे और कितना सिंपल है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि लेट एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स। Mn क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर जीरो से आगे की तरफ। तो यहां पे देखिए, such that m is greater or equal to 1, n is greater or equal to 1। इसका मतलब पहले बता दिया कि m n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब उनकी वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। अगेन एंड m इज नॉट परफेक्ट nth पावर, और वो उसकी परफेक्ट nth की पावर नहीं है। किसकी? दैट इज हियर नो इंटीजर p, सच दैट p इज इक्वल टू p की पावर m इज इक्वल टू m। ऐसा केस जो यहां बताया गया है कि ये इसकी परफेक्ट पावर नहीं आ रही है, जो m है ये इसकी परफेक्ट पावर नहीं है। सो दैट देयर इज नो रैशनल नंबर a सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू m। तो ये ऐसा कह रहे हैं, कोई भी ऐसा केस हो जाए, p की पावर n है, a की पावर n है, जो p है और a है, किसी भी केस में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि m जो है दोनों की परफेक्ट पावर नहीं है। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन देखिए आपके सामने दिख रहा है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? p की पावर n इज इक्वल टू m लिख लेंगे। पहले लिखेंगे गिवन, हमने गिवन ही लिया। गिवन में क्या है हमारे पास? p की पावर n इज इक्वल्स टू m, इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास? a की पावर n इज इक्वल्स टू m, इक्वेशन सेकंड। हमने दो इक्वेशन बना ली साथ साथ यहां से, क्योंकि हमको थोड़ा सा बताना है और उसके बाद अपने आप प्रूफ हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो p और a है वो इक्वल नहीं होगी, क्योंकि m जो है परफेक्ट पावर नहीं है। तो सिंपल सी बात, हमने क्या कर दिया? पहले इक्वेशन इसको बना लिया और दूसरी इक्वेशन हमने इसको बना लिया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। मतलब यहाँ से m की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इट गिव्स। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू उठाकर, देखिए n की वैल्यू क्या है? a n है, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारे पास? p की पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a की पावर n। ये वाला केस हमारे पास मिल गया है, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? हमारी पावर सेम सेम है। अगर पावर सेम सेम होती है और बीच में इक्वल का साइन होता तो हमारे पावर्स क्या होती है? कैंसिल आउट करती है। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा p इज इक्वल्स टू a। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया है, p की इक्वल क्या हो गया? a आ गया है। जो a आ गया है ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सामने आ गया है, उसके बाद हम आगे आ गए हैं, यहाँ से करेगा नीचे के बाद यहाँ से, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा p इक्वल टू a आ गया है, तो ये क्या हो गया? इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा बता रखा है कि भाई ये ऐसा नहीं है, जो जैसा नहीं है वहां पर हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो p जो है हमारा क्या है? एक इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वल हो गया है, ठीक है। और जहां पर इक्वल हो गया है और होना क्या चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या कहेंगे? पी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए, यानी कि सो देयर फोर, तो हम कर देंगे देयर फोर। यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर कितने हो जाएंगे? देयर फोर कोई भी रेशनल नंबर हमारा पूछ रहा था, रेशनल नंबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हम कहेंगे देयर इज नो सच रेशनल नंबर, देयर इज नो सच रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसके लिए? फॉर विच a की पावर n और m के लिए, इसके लिए कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, बस ये इतना सॉल्यूशन था, हो गया। ये n है, n फुल स्टॉप। मतलब ये कह रहे थे इसके इक्वल नहीं होगा, और हमने क्या दो इक्वेशन जो भी गिवन थे उससे पुट किया, थोड़ा सॉल्व किया, देखा ये तो इक्वल आ गया है, बता रहे थे नहीं होगा। तो कह दिया हमने कि भाई ये इसके पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा जिसके लिए ये केस उन्होंने बताया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था,
कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट कर दीजिएगा इसको लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।